Eric, I know that they would be proud of us. फ्रेंड्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त विकास, और आज मैं रिव्यू करने वाला हूं मॉन्स्टर सीरीज़ की दूसरे सीज़न का, यानी कि कह सकते हैं मेंडेस ब्रदर्स की कहानी है ये। और क्या किया था इन लोगों ने, ये जब मैं आपको बताऊंगा आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। इन दोनों भाइयों ने अपने माँ बाप को मार डाला था दोस्तों, और बहुत ही बेरहम तरीके से मारा था, और शॉटगन से मारा था, लेकिन बहुत ही बेरहम तरीके से मारा था। ये शो नेटफ्लिक्स पर स्ट्रीम हो रहा है, और अगर आप देखना चाहते हैं इस शो को तो आप नेटफ्लिक्स पर देख सकते हैं। इसके टोटल 10 एपिसोड्स हैं, और 10 एपिसोड्स में पूरी कहानी दिखाई जाएगी आपको कि क्यों मारा और कौन सी ऐसी वजह थी कि अपने माँ बाप को ही इन्होंने मार डाला। दोस्तों, कहानी है एरिक और लायल की। एरिक जो कि बड़ा भाई है, लायल जो कि छोटा भाई है, और एक दिन अचानक से पता लगता है कि ये दोनों प्लान कर रहे होते हैं कि इनके माँ बाप को इन्हें मारना पड़ेगा। और क्राइम हमें पहले एपिसोड में ही दिखाया जाता है कि जो क्राइम होता है, और ये दोनों अपने माँ बाप को मार डालते हैं और ख़ुद से कन्फेस करने अपने साइकेट्रिस्ट के पास चले जाते हैं, और ये उन्हें बताने के लिए कि इसने अपने माँ बाप को मार डाला है। इसके बाद शुरू होता है दोस्तों फ्लैशबैक, यानी कि फ्लैशबैक में ये दिखाया जाता है कि इन दोनों ने अपने माँ बाप को क्यों मारा था। और जब ये कहानी दिखाई जाती है कि इन्होंने क्यों मारा था, तब यकीन मानिए कि आपके पैरों के नीचे से ज़मीन खिसक जाएगी। आप बिल्कुल अपने सर को पकड़ के बैठ जाएंगे कि माँ बाप को मारा था। वो जब फ्लैशबैक में दिखाया जाता है हमें, तब हम उस मनोस्थिति या जब वो उनकी जगह अपने आप को रख के सोचते हैं, तब हमें लगता है कि उनके साथ कितना गलत हुआ था। और ये मैं आपको रिव्यू में नहीं बता सकता कि उन्होंने क्यों मारा था, किस लिए मारा था। जब आप ये शो देखेंगे तब आपको पता लगेगा कि उन्होंने क्यों मारा था। पहले मैं आपको बता दूं कि ये फैमिली के साथ देखने वाला शो बिल्कुल भी नहीं है, तो आप अपनी फैमिली के साथ बिल्कुल भी इस शो को ना देखें। हाँ, आप अकेले में देख सकते हैं, अपने माँ बाप के साथ तो बिल्कुल भी नहीं देखें इस शो को। ये शो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस है मोमेंट्स में, लेकिन काफ़ी ज़्यादा लाइट भी रखा गया है इसे। जैसा कि जेफरी डामर का जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस बना दिया था नेटफ्लिक्स वालों ने और रायन मर्फी ने, लेकिन इस शो में वो ख्याल थोड़ा सा रखा गया है, थोड़ा सा माहौल को हल्का भी रखा गया है। लेकिन जो टॉर्चर इसमें दिखाया गया है, जिस तरह से एक बाप अपने बेटे को टॉर्चर करता है, या एक बाप अपने बेटे के लिए क्या सोचता है, या एक बाप अपने बेटे को जो बेइज्जत करता है, वो जब दिखाया गया है, वो सब सीन्स बहुत ही ज़्यादा दिमाग में घुस जाते हैं और बहुत ही ज़्यादा हर्ट करते हैं दोस्तों। तो हमें पहले एपिसोड में ही होता हुआ दिख जाता है, लेकिन ये दोनों भाई इतने शातिर होते हैं कि बचने का हर हथकंडा अपनाते हैं और हर दांव खेलते हैं पुलिस के सामने, जिससे कि वो बच जाएं, जिससे कि वो बेगुनाह साबित हो जाएं। हालांकि ये दोनों भाई अपने गुनाह नहीं कबूलते हैं। ये एक सच्ची कहानी है दोस्तों, ऐसा हुआ है, और काफ़ी सारे आप आर्टिकल्स पढ़ सकते हैं गूगल पे एरिक एंड लाइल मेंडेस के बारे में। नेटफ्लिक्स ने इसके आगे एक फिल्म भी इसके ऊपर लाया है, द मेंडेस ब्रदर्स, जो कि अभी पिछले हफ्ते अक्टूबर में ही रिलीज़ की गई है नेटफ्लिक्स पर। हालांकि मैंने वो फिल्म नहीं देखी है, मैंने ये शो देखा है, और मैं आपको बता दूं कि ये शो भी काफ़ी अच्छा लगा मुझे। हालांकि जेफरी डामर का जो शो था वो काफ़ी ज़्यादा इंटेंस था दोस्तों, लेकिन इस शो में ध्यान रखा गया है कि जो थोड़ी बहुत जो लाइटनेस है वो रखी जाए इस शो में, लेकिन ये शो भी काफ़ी इंटेंस है दोस्तों। और पिछले वाले शो जैसी तो नहीं है, उतनी अच्छी और उतनी अच्छी इंटेंस तो नहीं है, लेकिन ये शो भी आपको अंत तक बांधे रखेगी और दिखाएगी कि किस तरह से खून करने के बाद भी एक खूनी अपने आप को किस तरह से बचाता है और किस तरह से अपने आप को डिफेंड करता है। I'm having these nightmares. You're not getting it. You don't fucking get it, Eric. We did it. We fucking did it. Hold on a minute. Should you just order a grilled cheese and tap water? Yeah. How many shrimp do you have? Like an actual number. तो ये चीज़ें जब होती हैं स्क्रीन पे, तो आप अपने आप को अगर उनकी जगह रख के सोचते हो तो आपको ज़ाहिर तौर पर सिंपैथी उनके लिए नज़र आती है, लेकिन वाकई में बहुत ही हीनस क्राइम होता हुआ दिखाया जाता है इसमें। ये था मेरा रिव्यू मॉन्स्टर्स द स्टोरी ऑफ लाइल एंड एरिक मेंडेस। अगले रिव्यू तक लिए गुड बाय। अगर आपने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें, और जो बेल आइकन है उसको ज़रूर प्रेस करें। थैंक यू।